अस्सलाम वालेकुम, की हाल है मेरे बाल बच्चे का? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक खैर करे तो ठीक ठाक की आवाज़ आवे। साड़ियाँ मेरिया दुआवां ने बाल बच्चे वास्ते, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, बीमारां नूं शिफा दे। ते अज मेरा दिल है चने पकाने, ते काले चने, क्योंकि महफूज हुंदा मेरा सालन पक्की आखाइए तो बड़ा वधिया हुंदा। ते ओ हुण मैं उत्ते पका तरन लगियां, पकावन लगी। ठीक है, तो तुहानू फिर मैं सारा तरीका दसांगी, जिकण साडे जमानिया दे विच, पुराने जमाने च लोग पकांदे सन खाने। असीं तो उन्हां जमानिया दे विच चने दे दाने चब चब के ते पानी पी लैना, तो सारी दाड़ी रोटी दी होश नहीं सी हुंदी। बहुत वधिया हुंदे ने, ताकत आले। सुबह जी मैं हूँ पता जो थोम छिलन लगी हाँ चनिया के बच्चे पाने में, तो ये थोम जरा देसी थोम है, शुरू तो ला के देसी पाई है आंधी के बच्चे, तो बहर भी ला के आए हैं। मैं गई सा लाने उत्ते, फोटो मेरी आई होगी दादी माँ गाय से थोम ला गए सन असी। दादी माँ देसी थोम से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिन्हें ने वो वीडियो देखनी वह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, और तुसी वीडियो देख सकते हो। असीं अपना थोम लाए, दादी माँ अपने हत्थों के नाल थोम ला के आए हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल देसी थोम दे दादी माँ अंडी दे विच करते हैं, क्योंकि इहदा बड़ा फायदा होंदा है। हुण मैं थोम छिल लिया वे, वड्डे वड्डे थोम ही छिलन लगी सी। हुण देखो गंढा हूँ, गंढा टमाटर हरिया मर्चा अदरक ये सारिया चीज़ा हूँ कट्ठिया चीरन लगियाँ, बना लगे मसाला जी। हम सारा मसाला तैयार कर लिया, गंढे थोम धनिया टमाटर हरिया मर्चा। दादी माँ कि मर्चा कट्टिया जी? कोई चार मर्चा पाइया हरिया, पूरी बड़िया बड़ी। अच्छा, तो टमाटर किन्ने? टमाटर दो। गंढे सन त्रै चार छोटे ही सन, तो ठीक है। दो छिटा चने धरने ठीक है। अच्छा जी, दादी माँ एक कमेंट आया मैं वेख्या, तो कोई कह रहे कि उन्होंने वाल साहब बीमार ने, तो कहते हैं अल्लाह दुआ करो अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, अल्लाह बीमारा ने शिफा दे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे उन्होंने बाल साहब न। मापिया दड़िया बारा होंदिया ने, मापिया ने बड़िया बादशाह होंगे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। साड़िया दुआवें चने कराते तो पे सन, तो भिजे रात के जड़े होंगे ने बतिका पकते, तो हूँ प्रैशर कुकर के पा के रखा लगे। गंढा पहला तां पाई दा थोम गंढा वे, ये सोहना गल जाता है, उत्ते चने पाने। बिस्मिल्लाह दे बरकत। हाँ, नमक के अनुसार पाक विच पानी पा के ते उत्ते रख देना, अद्धे घंटे बाद फिर तुम दस ये चलो। पा लिया वे तो हूँ उत्ते बंद करके अग ते रख लगे। हूँ अद्धा घंटा ला के गाले ने, तो हूँ आंडी के पा के भुन लगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हूँ मैं बिचू कड के आंडी च पा लगे। लगे तो हूँ फिर हूँ आंडी में उत्ते रख लगी, तो हम फिर मसाले मसूले पा के भुन लगे। दादी मैं की कर रहे हो? अदरक कुटने। सही है, ये भी बिच पाना, तो पानी जेड़ा चने तू लाया ये भुन के ते भाई पाना है, क्योंकि ये सारा असर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। दादी माइल किन्ना पाना है? एक दो डोइयां। ठीक है,
ਅਦਰਕ ਦਾਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ दादी माँ जी कुछ मैं कमेंट आए मैं पढ़िया तो कुछ बंदे कह रहे हैं कि माँ जी इन्हों की इन्नी उम्र हो गई है तो इन्हों काम क्यों कराते हो तो इन्हों दसो काम मैं करनी हाँ बैठा बंदा बह जाता है तो काम क्या बंदा करे तो तंदुरुस्त रहा मेरे ना कोई धक्के जाए तो कोई नहीं करता ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਂਡੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਏ ਦੌੜੀਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਣ ਮਾਈਏ ਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਕਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਕਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੀਮਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰ ਪੱਤਰ ਬਾਗ ਗੋਣਾ ਬੇਬਾਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਤੀਓ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆ ਵੀ ਚੰਨੇ ਪਕਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਵੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਪੀ ਲਿਆ ਚੰਨੇ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਓ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਓ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈਏ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਧੀ ਹਾਂਡੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲਈਆਂ ਵੀ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ ਅੰਗਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਬਗੈਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੇ ਚਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚਣੇ ਗਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਣਿਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਥੀ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਧਨੀਆ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁਣ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗਾਇਜ ਹਾਂਡੀ ਅਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਾਦਾ ਨੇ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇਂ ਦਾਦੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ
क्योंकि मैंने साथ में चावल खाने हैं और दादा माँ कहते हैं मैं रोटी खानी है, इसलिए वो अपनी रोटी बनाने लगे हैं। मैं अपनी रोटी पकाने लगी। रोटी पे तो बैठे पकाने हैं। अच्छा तो देखेंगे गाइस हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है, तो अब भी हम टेस्ट करके बताते हैं आपको। अच्छा दादी माँ मैं ना तुहानू रोटी डाल के दिया, तुसी खाओ। दादी माँ मेरे जड़े ने शोरबे के अंदर हमेशा रोटी डबो के खाते ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे शुरू तो, इस वजह तो मैं भी दादो न जो ना रोटी डबो के दे रहा हूँ, टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है रोटी।
दादोमा आप टेस्ट करके मुझे बताएं कैसा लगा। करेंगे इसमें, मैंने अपने लिए चावल बनवाए हैं तो मैं चावल टेस्ट करके बताऊंगा ऊपर सालन डाल के कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है, पर अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने। चलें दादी माँ आप भी टेस्ट कर देते हैं, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादी माँ बहुत ही मज़ेदार बने हैं, आपको कैसे लगे हैं? हाँ जी गाइस बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और बिल्कुल गले हुए हैं, बुजुर्ग बंदा भी खा सकता है आराम से। बड़े सोने गाल के, बड़े मज़े दे पके ने ते गले भी बड़े सोने। जो कुछ रेता पका भी तुहानू मैनू मेद है भी तुहाडे पसंद आवे दा ते ना पाओ। अच्छा गाय उम्मीद है कि तुहानू अज्ज दा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।